हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू आवर चैनल टारगेट विद ललन शर्मा। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट मैटर वेव्स। तो विद्यार्थी, इससे पहले हम लोग जानते हैं कि लाइट जो है अधिकतम वेव की प्रॉपर्टी रखता है, लेकिन जब पता चला कि लाइट जो है फोटानों के रूप में चलता है तो उसके पास पार्टिकल की प्रॉपर्टी भी आ गई। इसी कंसेप्ट का फायदा उठाकर साइंटिस्ट डी ब्रोगली ने इसके अपोजिट भी सोचा कि अगर जो है लाइट जो है पार्टिकल की प्रॉपर्टी रख सकता है तो मैटर पार्टिकल जो है ये वेव की प्रॉपर्टी क्यों नहीं रख सकते। तो इन्होंने बताया कि दुनिया में जितने पार्टिकल हैं, जैसे आपका पेन हुआ, हम लोग हुए, आपकी मोबाइल हुआ, अगर ये मोशन करते हैं तो इनके पास वेव की प्रॉपर्टी भी आ जाती है। इसका अपोजिट भी उन्होंने बताया। तो ये डी ब्रोगली हाइपोथीसिस है, इसका एक्सपेरिमेंट इन्होंने नहीं दिया, इसका एक्सपेरिमेंट भी डेविसन और जर्मर नामक वैज्ञानिक ने किया था। तो आइए देखते हैं इससे रिलेटेड और क्वालिटी ऑफ कॉन्सेप्ट। वेव नेचर ऑफ पार्टिकल आर मैटर वेव्स आर डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। ध्यान दें, व्हेन एवर ए मैटर पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रॉन फोटॉन इज मूविंग इट ऑलवेज बिहेव्स लाइक ए वेव। मतलब जब कभी मैटर पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रॉन और फोटॉन क्या करते हैं, मोशन करते हैं, तो उनके पास ऑलवेज जो है वेव की भांति वो व्यवहार करते हैं, उनका बिहेवियर वेव की भांति होता है, पार्टिकल के साथ वेव की प्रॉपर्टी जुड़ जाती है। ध्यान दिए, दीज वेव्स एसोसिएटेड विद मैटर पार्टिकल्स आर कॉल्ड मैटर वेव्स और डी ब्रोगली वेव्स। तो जब कोई पार्टिकल मोशन करने लगता है तो उससे जो है वेव की प्रॉपर्टी ऐड हो जाती है, जिसे मैटर वेव और डी ब्रोगली वेव्स कहा जाता है। डियर वेवलेंथ इज कॉल्ड डी ब्रोगली वेवलेंथ। उनका जो वेवलेंथ होता है उसे डी ब्रोगली वेवलेंथ के नाम से जाना जाता है। ये तो रहा डी ब्रोगली हाइपोथीसिस, और इसको जो है बाय एक्सपेरिमेंट प्रूफ किया डेविसन एंड जर्मर ने। देखिए, प्रूव दैट फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन शोज डिफ्रैक्शन। डेविसन एंड जर्मन ने यह चीज प्रूफ किया कि फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन जो है डिफ्रैक्शन को दिखाते हैं। जो इलेक्ट्रॉन होता है वो पार्टिकल की प्रॉपर्टी रखता है, लेकिन जो डिफ्रैक्शन दिखाता है, डिफ्रैक्शन जो है वेव की प्रॉपर्टी रखने वाला ही दिखाता है। तो अगर ये डिफ्रैक्शन दिखा रहा है इलेक्ट्रॉन, तो इसका मतलब मूविंग इलेक्ट्रॉन जो है वेव की प्रॉपर्टी रखता है, मूविंग इलेक्ट्रॉन के साथ वेव की प्रॉपर्टी जुड़ गया है, ध्यान दिया जाए। तो यही तो इनका टोटल कॉन्सेप्ट है, डी ब्रोगली हाइपोथीसिस यही है कि जब कोई पार्टिकल मोशन करने लगता है तो उसके साथ वेव की प्रॉपर्टी भी जुड़ जाती है। तो यही चीज आपको जानना है। आगे देखा जाए, डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ फोटॉन। तो फोटॉन, देखिए, अब ये पार्टिकल नेचर रखता है, अगर ये भी मोशन करता है तो ये भी वेव की भांति व्यवहार करेगा, ये भी वेव की प्रॉपर्टी रखेगा। ध्यान दें, तो फोटॉन की एनर्जी इज इक्वल टू होता है एससी अपॉन लैम्डा। ये फार्मूला केवल आप फोटॉन के लिए ही प्रयोग करेंगे, और इलेक्ट्रॉन की एनर्जी या कोई और की एनर्जी के लिए ये फार्मूला प्रयोग नहीं करेंगे, ये केवल फोटॉन के लिए ही फार्मूला है। और ये है आइंस्टीन का इक्वेशन इक्वल टू एम सी स्क्वायर। फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू, इसका लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल कर लेते हैं, तो एस सी बाई लैम्डा इक्वल टू एम सी स्क्वायर। यहां से एक सी कैंसिल हो जाएगा, तो यहां मिला है हमको एच अपान लैम्डा इक्वल टू एम सी। तो एच अपान लैम्डा एम सी का स्थान लिख दिए मोमेंटम ऑफ फोटॉन पी। तो मोमेंटम द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम। तो यही है पी। तो लैम्डा इक्वल टू हो जाएगा एच अपॉन पी। तो आज से आपको जानना है डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ फोटॉन, ये लैम्डा इक्वल टू हो जाएगा एच अपॉन पी। पी जो है फोटॉन का मोमेंटम है, तो यहां पे फोटॉन की वेलोसिटी रहेगी जो कि स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होता है। फोटॉन अगर रेस्ट पे है तो उसका कोई वजूद नहीं है, उसके पास वेव की प्रॉपर्टी भी नहीं होगी, ये चीज आपको ध्यान देना है। तो आप इसे कॉपी कर लीजिए, तो फिर इससे रिलेटेड और कॉन्सेप्ट हम देते हैं।
हाँ विद्यार्थी, अब आगे का कांसेप्ट देखा जाए, डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ मैटर वेव्स, तो यहां हो जाएगा लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एमवी। एमवी क्या है? एमवी मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल है, मतलब जो फोटॉन का वेवलेंथ लिखे थे लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन पी, वही चीज अब भी है, लेकिन वहां पे स्पीड ऑफ लाइट था, यहां पे स्पीड ऑफ पार्टिकल है। यस, ये किसी भी मैटर के लिए है वैलिड, लेकिन फोटॉन के लिए आपको सी लिखना पड़ता है, बस इतनी सी बात है। तो मोमेंटम ऑफ पार्टिकल पी इक्वल टू क्या होता है? एम वी, जहां एम मास ऑफ द पार्टिकल है, वी वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल है, लेकिन फोटॉन के लिए जो स्पीड रहेगा वो स्पीड ऑफ लाइट रखा जाएगा, ये चीज आपको ध्यान देना है। तो दिस रिलेशन इज कॉल्ड डी ब्रोगली रिलेशन। अब मैटर वेव के पास कितनी प्रॉपर्टी होती है, इस कंसेप्ट को भी समझ लिया जाए। तो प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर वेव्स, तो लैम्डा प्रोपोर्शनल वन अपॉन एम, मतलब जिस पार्टिकल के पास मास जितना कम होगा उसकी वेवलेंथ उतनी ज्यादा होगी, यही लिखा है। देखिए यहां पे, द डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद ए लाइटर पार्टिकल इज लॉन्गर, तो यहां से देखिए लैम्डा प्रोपोर्शनल वन अपॉन क्या है? एम है। तो जितना पार्टिकल जो है स्मॉल मास वाला होगा उसकी वेवलेंथ क्या होगी? उतनी ज्यादा होगी, लेकिन शर्त है कि उसे मोशन करना पड़ेगा। ध्यान दे, यहां लैम्डा प्रोपोर्शनल लिखा वन अपॉन वी, यहां से देखिए लैम्डा प्रोपोर्शनल वन अपॉन वी, तो मतलब पार्टिकल की वेलोसिटी जितनी ज्यादा होगी वेवलेंथ उतना कम होगा, या कहते हैं कि पार्टिकल की वेलोसिटी जितना कम होगा वेवलेंथ उतना ज्यादा होगा। द डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद ए पार्टिकल मूविंग विद ए लो वेलोसिटी इज लॉन्ग, अगर कोई पार्टिकल लो वेलोसिटी से मोशन कर रहा है तो उसका वेवलेंथ क्या मिलेगा? लॉन्ग मिलेगा। और जो एच है वो यूनिवर्सल फ्लांग कांस्टेंट है, जैसे यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट होता है ठीक उसी प्रकार से ये भी यूनिवर्सल प्लैंक कांस्टेंट है। ये जो है एच किसी पर डिपेंड नहीं करता है, ध्यान दें। तीसरा पॉइंट क्लियर किया जाए, मैटर वेव डू नॉट डिपेंड ऑन द चार्ज ऑफ पार्टिकल, तो मैटर वेव जो है चार्ज से कोई लेना देना नहीं है, जो पार्टिकल मोशन कर रहा है उसके पास चार्ज है नहीं है इससे कोई लेना देना नहीं है, तो उसमें जो है वेव की प्रॉपर्टी आएगा अगर कोई पार्टिकल मोशन करता है तो, ये चीज आपको ध्यान देना है। अब आगे देखा जाए लास्ट पॉइंट, दीज आर नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, तो जो आपका मैटर वेव है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्यों नहीं है ये चीज आपको ध्यान देना है, बिकॉज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आर प्रोड्यूस्ड ओनली व्हेन चार्ज पार्टिकल वाइब्रेट्स विद हाई फ्रीक्वेंसी, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो प्रोड्यूस होता है चार्ज पार्टिकल के हाई फ्रीक्वेंसी के ऑसिलेशन के कारण ही क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस होता है। इसीलिए आज से आपको ये दिमाग में व्यवस्थित रखना चाहिए कि दीज आर नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, तो मैटर वेव जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं होता है, क्योंकि मैटर वेव का चार्ज से कोई लेना देना नहीं है, जो भी पार्टिकल मोशन करेगा उसके पास वेव आ जाएगा चार्ज रहे या न रहे। तो ये टोटल कॉन्सेप्ट है आपको डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ मैटर वेव्स का, ये लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम वी याद रखना है, तो आप इसे कॉपी कर लीजिए, तो फिर इससे रिलेटेड और कॉन्सेप्ट हम देते हैं। हाँ विद्यार्थी, आगे का कॉन्सेप्ट देखा जाए, डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो चूंकि इसका प्रूफ जो है इलेक्ट्रॉन के माध्यम से किया गया है तो इसीलिए इलेक्ट्रॉन का अलग से स्टडी किया जाता है, और इलेक्ट्रॉन के कंसेप्ट पर ही न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा है, तो ध्यान दिया जाए। तो डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी, इन टर्म्स ऑफ ये वेलोसिटी के टर्म में ये फार्मूला आपको दिमाग में रखना चाहिए इलेक्ट्रॉन के लिए, तो यहां इलेक्ट्रॉन का मास प्रयोग करेंगे, यहां इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी प्रयोग करेंगे। अगर यही डी ब्रोगली वेवलेंथ हम काइनेटिक एनर्जी के टर्म में लिखना चाहते हैं तो काइनेटिक एनर्जी के इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, तो यहां से वी इक्वल टू आएगा अंडर रूट टू के अपॉन एम, तो इस वी को यहां पर जब रखेंगे तो इस टाइप से हमें फार्मूला मिलता है।
तो डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन लैम्डा इज इक्वल टू हो जाएगा एच अपॉन अंडर रूट टू एम के इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी के टर्म में अगर फार्मूला की जरूरत पड़ता है तो आपको ये याद रखना चाहिए। हम लोग ये भी जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी के इक्वल टू होता है क्यू वी, तो क्यू है तो क्यू मतलब इलेक्ट्रॉन के लिए, तो हम लोग इलेक्ट्रॉन का चार्ज रखेंगे ई वी हो जाएगा। वी क्या है? वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस। तो कोई इलेक्ट्रॉन एक वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस में जब चलता है तो जितनी ऊर्जा प्राप्त करता है वही क्या कहलाता है? काइनेटिक एनर्जी कहलाता है। तो के स्थान पर हम लोग क्या लिखेंगे? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहां पे इलेक्ट्रॉन वोल्ट रख देते हैं। तो ये डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन लैम्डा इज इक्वल टू हो जाएगा एच अपॉन अंडर रूट टू एम ई वी, जहां वी क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस है, वोल्टेज है, इन टर्म ऑफ वोल्टेज। ये डी ब्रोगली वेवलेंथ है इलेक्ट्रॉन का वोल्टेज के टर्म में। जैसी जहां जरूरत रहेगी वैसा हम लोग प्रयोग करेंगे। अब इलेक्ट्रॉन के लिए एक फार्मूला फाइंड करना चाहते हैं जिससे न्यूमेरिकल लगाने में आसानी हो, क्योंकि ज्यादातर प्रॉब्लम जो है इलेक्ट्रॉन के कंसेप्ट पर है। तो फ्लंग कांस्टेंट जो होता है 6.6 × 10⁻³⁴ जूल सेकेंड, ये कांस्टेंट है, इतनी वैल्यू होती है रखते हैं। टू हो गया, यहां इलेक्ट्रॉन का मास रखा है, ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज रखा है, वोल्टेज अपने स्थान पर रखा है। इनका जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो इस टाइप का चेहरा मिलता है, ओवर रूट 150 अपॉन वोल्टेज, अलग से इंगस्ट्रॉम रहेगा, मतलब इतना कैलकुलेशन करने के बाद जो आएगा इतना × 10⁻¹⁰ मीटर रहेगा। इंगस्ट्रॉम में लिखेंगे तो इंगस्ट्रॉम लिख देंगे उसके स्थान पे। अब इसका 150 का जो रूट निकालते हैं तो आपका 12.27 आता है, और अपान ये ओवर रूट में वोल्टेज रहेगा इंगस्ट्रॉम। तो ये फार्मूला तो आपको अवश्य याद करना है। दिस फार्मूला इज वैलिड ओनली फॉर इलेक्ट्रॉन, ये फार्मूला केवल इलेक्ट्रॉन के लिए है, ध्यान दें। अदरवाइज ये फार्मूला सबके लिए है, तो इसमें सबकी अलग अलग वैल्यू होगी, सबका मास अलग होगा, सबका चार्ज अलग होगा, तो इसमें रखेंगे तब जाके आपको अपना आंसर मिलेगा। तो सवाल को जल्दी से सॉल्व करने के लिए हमें ये फार्मूला याद रखना बहुत जरूरी है। ये केवल इलेक्ट्रॉन के लिए है, ये चीज ध्यान दें। हाँ, अगर कुछ और आप याद कर सकते हैं तो आपके लिए कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाएगा, वो भी आप बोर्ड पर लिख दिए हैं। जैसे डी ब्रोगली वेवलेंथ फॉर वेरियस पार्टिकल, और भी जो पार्टिकल हैं उनके लिए, जैसे फॉर प्रोटॉन, प्रोटॉन का कोई न्यूमेरिकल आ जाए और आपके पास अगर वोल्टेज हो तो भगवान कसम बड़े जल्दी से आएगा। जैसे डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ प्रोटॉन लैम्डा पी इक्वल टू हो जाएगा 0.286 अपॉन वोल्टेज, इतना एंगस्ट्रॉम, मतलब 10⁻¹⁰ मीटर। तो ये चीज ख्याल करना है, अगर आपको याद हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज इस फार्मूले में रख के आपको कैलकुलेशन करना होगा। फॉर ड्यूट्रॉन तो लैम्डा डी इक्वल टू हो जाएगा 0.202 एंगस्ट्रॉम अपॉन वो रूट वोल्टेज, ये रहेगा। अब देखिए ये दोनों तो आसे पास है। एक और सवाल बन सकता है फॉर अल्फा पार्टिकल, अगर आपको याद हो जाता है तो बहुत जल्दी हो जाएगा कैलकुलेशन। डी अल्फा इक्वल टू हो जाएगा 0.101 अपॉन ओ रूट वोल्टेज, इतना एंगस्ट्रॉम, ये हल करेंगे तो इतना एंगस्ट्रॉम आएगा आंसर। तो एक बार फार्मूला देखकर उसके बाद आंख बंद करके सोचिए, भगवान कसम दिमाग में हमेशा के लिए व्यवस्थ हो जाएगा, तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ विद्यार्थी, आज का पहला क्वेश्चन देखा जाए। ए पार्टिकल ऑफ मास कैपिटल एम एट रेस्ट डीके इनटू टू पार्टिकल्स ऑफ मासेज एम वन एंड एम टू हैविंग नॉन जीरो वेलोसिटीज, द रेशियो ऑफ दी डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ दी पार्टिकल्स इज। ये आईआईटी जेई 1999 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहां से देखा जाए लैम्डा वन इज इक्वल टू हो जाएगा एच अपॉन पी वन, इक्वेशन फर्स्ट, और दूसरे पार्टिकल के लिए हो जाएगा डी ब्रोगली वेवलेंथ लैम्डा टू इज इक्वल टू हो जाएगा एच अपॉन पी टू, और पी वन के स्थान पे एम वन वी वन, वी वन का पता नहीं, पी टू के स्थान पे एम टू वी टू, वी टू का पता नहीं। तो यही है हमारा। तो यहां से लैम्डा वन अपॉन लैम्डा टू इज इक्वल टू आ रहा है पी टू अपॉन पी वन। अगर पी टू पी वन का पता चल जाए तो हमारा काम हो जाएगा, लेकिन वेलोसिटी नहीं है।
तो ये जेई में क्वेश्चन पूछा गया है तो जाहिर है कि इतना आसान तो नहीं होगा, तो इतनी जल्दबाजी में आपको कोई आंसर नहीं करेक्ट करना चाहिए। फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का कॉन्सेप्ट लगाना चाहिए। डीके से पहले मोमेंटम इज इक्वल टू डीके के बाद मोमेंटम, तो डीके के पहले तो कैपिटल एम मास का ऑब्जेक्ट एट रेस्ट पे है तो मोमेंटम जीरो होगा। डीके के बाद दो पार्टिकल में कन्वर्ट हो गए P1 P2। देखिए इनिशियल मोमेंटम जीरो है तो फाइनल मोमेंटम भी जीरो होना चाहिए, तो ये तब हो पाएगा जब दोनों पार्टिकल जो है अलग अलग डायरेक्शन में मूव करेंगे, तो यहां पे माइनस आपको लगाना पड़ेगा। इस दशा में हो गया P1 = P2। अब बस खत्म हो गया, यही वैल्यू वहां पर रखना है। P1 P2 क्या है, इक्वल है, तो ऐसे केस में क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इस आधार पे आपका ऑप्शन सी करेक्ट है। तो हम ये चीज आपको पहले बताए कि लड़का जल्दबाजी में यही करेगा और ये हम करके दिखा देते हैं, लेकिन ये यहां बात फंस रही है। ये अतिरिक्त कंसेप्ट लड़के के दिमाग में होना चाहिए फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का। तो मोमेंटम बिफोर डीके इज इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर डीके, तो मोमेंटम बिफोर डीके अगर जीरो है तो मोमेंटम आफ्टर डीके भी क्या होगा, जीरो होना चाहिए। ये तभी हो पाएगा जब बीच में क्या हो, माइनस रहेगा। तो ऐसे केस में दोनों पार्टिकल का मोमेंटम सेम आएगा, इसलिए रेशियो कितना आएगा, 1:1 आएगा। यहां 1 लिखा है तो 1 ही करेक्ट है। λ1/λ2 की वैल्यू कितनी आएगी, 1। तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। तो फिर अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। हाँ विद्यार्थी, दूसरा क्वेश्चन देखा जाए। इफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज इंक्रीज्ड टू 16 टाइम्स इट्स प्रीवियस वैल्यू, द परसेंटेज चेंज इन द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ द पार्टिकल इज। यस, AIPMT 2014 में क्वेश्चन आया है। तो इनिशियल में लैम्डा इज इक्वल टू H/√2mK, काइनेटिक एनर्जी के टर्म में डी ब्रोगली वेवलेंथ की फार्मूला लिखना चाहिए, इसे λ1 नाम दे देते हैं, और बाद में यही चीज λ2 नाम देंगे। H/√2mK अब कितना हो गया, 16K, प्रीवियस वैल्यू के 16 टाइम्स हो गया, तो 16 का वो रूट जो है 4 निकल जाएगा, तो इसे लिख सकते हैं 1/4 × H/√2mK। यस, इसे इक्वेशन 2 नाम दे सकते हैं। तो डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन फर्स्ट, 2 में फर्स्ट से डिवाइड करेंगे, तो ये हो जाएगा λ2/λ1 इज इक्वल टू इतना अपान इतना करेंगे तो आएगा 1/4। इसे लिख सकते हैं 1 − λ2/λ1 इक्वल टू 1 − 1/4। दोनों वैल्यू जो इधर वाली और इधर वाली दोनों 1 में से सब्ट्रैक्ट किए हैं, ऐसा क्योंकि हम अभी बता रहे हैं। तो ये हो जाएगा λ1, ये हो जाएगा λ1 − λ2 इक्वल टू हो जाएगा 3/4। ये है δ λ/λ1 इज इक्वल टू कितना आया, 3/4। तो परसेंटेज के लिए 100 से क्या कर देंगे, प्रोडक्ट, δ λ/λ1 × 100 इज इक्वल टू 3/4 × 100, ये आएगा 75%। इस आधार पे आपका ऑप्शन भी करेक्ट है। देखिए कह रहा है द परसेंटेज चेंज इन द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ द पार्टिकल, तो परसेंटेज चेंज या परसेंटेज इंक्रीज, परसेंटेज डिक्रीज पूछ ले तो changing upon initial × 100 होता है। changing upon initial × 100, इनिशियल मतलब हमेशा इनिशियल वाली चीज जो भी रहेगा वो नीचे रहेगा, इनिशियल का मतलब इनिशियल वाली फिजिकल क्वांटिटी हमेशा नीचे रहेगा, ये चीज आपको ध्यान देना। ऊपर चेंजिंग करना है, कोई भी बड़ा हो छोटा को उसमें सब्ट्रैक्ट करना है, बस changing upon initial physical value × 100 यही होता है क्या, चेंजिंग परसेंटेज। वो इंक्रीज में भी हो सकता है और डिक्रीज में भी हो सकता है,
तो ध्यान दें, जब काइनेटिक एनर्जी 16 टाइम इंक्रीज कर गया तो बाद वाली वेवलेंथ क्या कर जाएगी, छोटी हो जाएगी। तो जाहिर चेंजिंग के लिए इनिशियल में से बाद वाला क्या करना होगा, घटाना होगा अपान इनिशियल वेवलेंथ, क्योंकि इनिशियल के कंपेरिजन में ही परसेंटेज में क्या होता है, कमी होता है, क्योंकि इनिशियल के कंपेरिजन में ही आदमी अमीर होता है या गरीब होता है। जो भी चेंजिंग आता है, जैसे हाई स्कूल और इंटरमीडिएट का जब आप परसेंटेज लेंगे तो हमेशा हाई स्कूल को नीचे रखना पड़ेगा, क्योंकि हाई स्कूल के कंपेरिजन में इंटरमीडिएट में आपका या तो अच्छा हुआ है पहले कंपेरिजन में या तो बुरा हुआ है। जो भी कुछ होगा वो पहले के कंपेरिजन में होगा, या ऐसा मान सकते हैं कि आप पहले गरीब थे आज अमीर हो गए, तो पहले गरीब थे आज अमीर हो गए, तो इसका मतलब आपने परसेंटेज इंक्रीज किया, और पहले आप अमीर थे आज गरीब हो गए तो परसेंटेज डिक्रीज किया। तो चेंजिंग अपॉन इनिशियल इनटू 100, हमेशा इस बात का ध्यान रखें, चेंजिंग अपॉन इनिशियल फिजिकल क्वांटिटी इनटू 100, ये चीज हमको करना है। भाई इनिशियल हमको मिल गया, लेकिन चेंजिंग मतलब हम चाहते हैं लैम्डा वन में से लैम्डा टू घटे या लैम्डा टू में से लैम्डा वन घटे, तो यहां पर अगर माइनस वन करेंगे तो ये निगेटिव आने लगेगा, और वेवलेंथ है निगेटिव तो होगा नहीं। यस, तो जाहिर है कि हमें घटाना है लैम्डा वन माइनस लैम्डा टू, तो वन माइनस इधर कर दिए, वन माइनस इधर कर दिए, तो जाहिर है वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और परसेंटेज के लिए आपको 100 से प्रोडक्ट करना ही पड़ेगा। तो हम समझते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा, तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। तो फिर एक और क्वेश्चन हम देखते हैं, हाँ विद्यार्थी, आज का लास्ट क्वेश्चन देखा जाए। एन इलेक्ट्रॉन ऑफ मास m एंड ए फोटॉन हैव सेम एनर्जी e, द रेशियो ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद देम इज। इसका आंसर देखने से लगता है भगवान का सब बहुत कठिन सवाल है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। तो चलिए इलेक्ट्रॉन के लिए हम लिखते हैं डी ब्रोगली वेवलेंथ लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन, इनर्जी के पद में लिखना है तो इनर्जी के पद में जो होता है 2mk होता है, के स्थान पे यहां आपको e लिखना पड़ेगा क्योंकि e ही दिया है, सेम इनर्जी दोनों के दिया है। इलेक्ट्रॉन के लिए यही लिख सकते हैं, लेकिन फोटॉन के लिए इनर्जी का फार्मूला ये नहीं होता है, फोटॉन के लिए इनर्जी का फार्मूला दूसरा होता है। फोटॉन के लिए इनर्जी फार्मूला इज इक्वल टू होता है एच सी अपॉन लैम्डा, तो इसके आंसर में सी आया है तो जाहिर है कि यही वाला रहेगा, न्यू वाला नहीं रहेगा। यस, तो यहां से हम लिख सकते हैं लैम्डा इज इक्वल टू क्या, एच सी अपॉन ई, ये हो जाएगा इक्वेशन टू, और किसके लिए हो जाएगा, फोटॉन के लिए हो जाएगा, लैम्डा पी नाम दे देते हैं, वन में टू से डिवाइड कर दीजिए तो ये हो जाएगा लैम्डा ई अपॉन लैम्डा पी इज इक्वल टू इतना अपॉन इतना, तो ये हो जाएगा एच अपॉन अंडर रूट टू एम ई अपॉन इतना, तो पलट जाएगा ई अपॉन हो जाएगा एच सी, तो एच से एच आपका ये कैंसिल हो जाएगा। यहां हमारा आ रहा है, देखिए ई को लिख सकते हैं अंडर रूट ई इंटू अंडर रूट ई, तो एक ई कैंसिल हो जाएगा अंडर रूट वाला, तो ऊपर अंडर रूट ई बचेगा, तो उसे हम लोग कर लेते हैं E अपान 2m इंटू बाहर c है ही है, या 1 अपान c अंडर रूट E अपान 2m, तो इस आधार पे ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। तो ये सवाल यही समाप्त होता है, तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। तो हां विद्यार्थी, आज बस इतना ही, आप मेहनत से पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।